मैं यश पटेल। आज हम बात करेंगे पीएलसी वायरिंग और टाइप ऑफ वायर यूज इन द पीएलसी एंड डीसीएस। जो मैं पीएलसी आउटपुट वायरिंग के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ, उससे पहले ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि पीएलसी के कनेक्शन में कौन सा वायर कहाँ यूज़ होता है और कहाँ से सिस्टम में कौन सा वायर यूज़ होता है। जैसे कि आप जैसे पीएलसी से कोई फील्ड में कोई कनेक्शन डाल रहे हो तो कौन सा केबल कहाँ यूज़ होता है वो पहले जानना बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए मैं पहले ये टाइप ऑफ वायर यूज़ इन द पीएलसी एंड डीसीएस का वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद मैं पीएलसी और डीसीएस का जो आउटपुट है उसमें वायरिंग कैसे करते हैं वो मैं जो टॉपिक चल रहा है पीएलसी वायरिंग का वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से वायर पीएलसी में यूज़ होते हैं, यानी पीएलसी और कोई अदर सिस्टम है जैसे कि डीसीएस से फील्ड में कौन कौन टाइप के पीएलसी में वायर यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ से कहाँ कनेक्शन फील्ड में जाता है, बीच में कौन कौन सी जो स्टेज आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं वायरिंग कैसे करते हैं जो आउटपुट वायरिंग को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन से वायर यूज़ होते हैं, इसलिए मैं पीएलसी आउटपुट वायरिंग से पहले ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है एक आपके कोई कंट्रोल रूम है, ठीक है। मैं आपको पूरा बेसिक डायग्राम दिखा रहा हूँ कि कनेक्शन भी कहाँ से कहाँ जाते हैं, यानी उसका ब्लूप्रिंट दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सब ये कनेक्शन होते हैं, कहाँ बीच में कौन कौन से जो स्टेज आते हैं बाद में वो फील्ड में जाता है। तो पहला कंट्रोल रूम होगा, वहाँ पे क्या होगा, सब सिस्टम हो गए यानी कंप्यूटर हो गए जो स्काडा स्कीन, ओके, सिस्टम पीसी जिसको आप पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, उसमें क्या हो गए स्काडा जो आप पूरा प्लांट ऑपरेट करते हैं वो, ठीक है। वहाँ से कनेक्शन आएंगे जो पीसी में से, वो कहाँ पे आएंगे, जो आपका कंट्रोलर होगा पीएलसी और डीसीएस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब पीएलसी का पार्ट वन चल रहा था कि कनेक्शन कहाँ से कहाँ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ कनेक्शन होते हैं। तो जो सिस्टम से पीएलसी और डीसीएस में जो कनेक्शन आते हैं उसमें कौन सा केबल यूज होगा, तो कम्युनिकेशन जो केबल होगे वो यूज होगे, ठीक है। ये पहला केबल है कम्युनिकेशन केबल, ठीक है। उसमें RJ45 भी हो सकता है या कोई अदर जो कोई कम्युनिकेशन आएगा वो भी केबल हो सकता है, USB भी हो सकता है, वो कोई भी कम्युनिकेशन केबल कोई भी हो सकता है, ठीक है। बाद में जो PLC के जो होगा वो आएगा मार्शलिंग कैबिनेट होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है मार्शलिंग कैबिनेट। कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि मार्शलिंग कैबिनेट क्या होता है, तो मार्शलिंग कैबिनेट में आपको सिंपल से ही आंसर दे देना है कि जो कोई भी पीएलसी है या डीसीएस है जो इसका इनपुट और आउटपुट का जो ग्रुप है जिसमें बहुत सारे इनपुट एंड आउटपुट जुड़े हुए उसको आप मार्शलिंग कैबिनेट बोलते हैं, ग्रुप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है।
उसको आप मार्शलिंग कैबिनेट बोलते हैं। ओके, तो उसमें कौन सा केबल यूज होगा? इनपुट एंड आउटपुट एक्स टेंशन केबल, ठीक है। ये आपको केबल के नाम याद रखने पड़ेंगे जो इंटरव्यू में पूछते हैं कि पीएलसी और इनपुट के आउटपुट के जो ग्रुप होते हैं उसके बीच में कौन सा केबल यूज़ होता है। तो सिंपल जो आपको आंसर देना है कि वहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट एक्सेंटेशन केबल यूज़ होते हैं। मार्शलिंग कैबिनेट से जो आपका दूसरा यानी तीसरा स्टेज जो आता है वो होता है आपका जेबी जंक्शन बॉक्स, जहाँ पे पावर फीडर से आता है और जो ये इनपुट और आउटपुट का सिग्नल है वो मार्शलिंग कैबिनेट से आता है जंक्शन बॉक्स, उसको आप फील्ड केबल भी सॉरी फील्ड बॉक्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। जो जंक्शन बॉक्स एंड जो फील्ड बॉक्स जो मार्शलिंग कैबिनेट से जो कनेक्शन आते हैं वहाँ पे कौन सा केबल यूज होगा? तो होम रन और उसको दूसरा नाम बोलते हैं मेन केबल। ओके, मार्शलिंग कैबिनेट से जेबी और फील्ड बॉक्स में जो बीच में जो कनेक्शन होता है वहाँ पे होम रन और मेन केबल यूज़ होता है। बाद में जेबी से आप फील्ड में जो वहाँ पे आपके जो ट्रांसमीटर होते हैं या और अदर जो डिवाइस होते हैं जो फील्ड के डिवाइस वहाँ पे ये फाइनल है, कंट्रोल रूम से शुरू हुआ और फील्ड तक ख़त्म हुआ। तो अब जेबी से जो ट्रांसमीटर है यानी फील्ड है उसमें कौन फील्ड में जो इंस्ट्रूमेंट हो गए उसमें कौन सा केबल यूज़ होगा? तो वहाँ पे ब्रांच केबल और फील्ड केबल भी आप बोल सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे चार टाइप के केबल कंट्रोल रूम से फील्ड तक आने तक अलग अलग केबल यूज़ होते हैं। पहला जो था कम्युनिकेशन केबल जो कंट्रोल रूम और पीएलसी डीसीएस के बीच यूज़ होता है, बाद में पीएलसी से मार्शलिंग कैबिनेट जो पीएलसी से जो मैंने बोला था जो कार्ड आते हैं एनालॉग इनपुट वो सब ग्रुप होते हैं उसका हम मार्शलिंग कैबिनेट बोलते हैं। वहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट एक्सटेंशन केबल यूज़ होते हैं। बाद में आता है मार्शलिंग कैबिनेट और जेबी। तो मार्शलिंग कैबिनेट और जेबी, जेबी क्या है? तो जेबी से फील्ड में जो डिवाइस होते हैं कि कहाँ पे कहाँ कनेक्शन होते हैं उसको हम जेबी बोलते हैं, वो बहुत ही जानी पहचानी टर्म है। ओके, तो वहाँ पे कौन सा केबल? होम रन और मेन केबल बोलते हैं। और जंक्शन बॉक्स एंड फील्ड बॉक्स से जो फील्ड में इंस्ट्रूमेंट में कनेक्शन होते हैं वहाँ पे ब्रांच केबल और फील्ड केबल यूज़ होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि पीएलसी के कनेक्शन में पीएलसी और फील्ड के कनेक्शन में कौन कौन से स्टेज आते हैं और कौन कौन से केबल यूज़ होते हैं वो पहले आउटपुट वायरिंग से पहले जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से बता दिया कि इस टाइप के केबल होते हैं। बाद में मैं आपको जब मुझे कोई हार्डवेयर मिलेगा तब मैं आपको इसका केबल दिखाऊंगा और आप गूगल पे या अदर कोई वेबसाइट पे भी सर्च करके देख सकते हो कि एक कौन सा केबल क्या कैसा होता है, वो मैं डीप में नहीं बताऊंगा। मैं वो एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा बाद में जो मेरे नीचे जब आउटपुट वायरिंग का मैं वीडियो बनाऊंगा तब नीचे लिंक रखूंगा, उसमें से आप ये केबल का जो स्पेसिफिकेशन है वो देख सकते हैं और आप गूगल में भी सर्च मार के भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि
ये वायर कैसे दिखता है वो मैं आपको जो आउटपुट वायरिंग का जो वीडियो आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।